अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे रॉडेंगन के M908 गेमिंग माउस को। ब्लैक कलर में ये आता है, साथ में RGB लाइट्स भी मिल रही हैं। इसके एक साइड पे 12 कीज मिल रही हैं जो कि न्यूमेरिकल कीज हैं। इसके जो प्राइस है वो आप लोगों की स्क्रीन के सामने आ रही होगी। अनबॉक्सिंग के साथ साथ मैं आपको बताऊंगा इसकी बिल्ड क्वालिटी का और वायर की क्वालिटी का, डिज़ाइन का, और रेकमेंड भी करूँगा कि ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। और पूरी वीडियो देखने के बाद आपको ये अच्छा लगे और आप बाय करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा होगा अमजद भाई का, और उनकी शॉप का एड्रेस भी आ रहा होगा, तो कॉन्टैक्ट करके इस प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर तो वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा। मेरा नाम है मोहम्मद रजा और आपका वेलकम हो गया टेक बॉस टीवी में। ओके, तो बॉक्स के फ्रंट पे सबसे पहले लोगो मिल जाता है और यहाँ पर गेमिंग माउस का डिज़ाइन मिल जाता है जो कि इस टाइप का है, आप लोगों के सामने है। और यहाँ पे इम्पैक्ट गेमिंग माउस जो कि नेम है, यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि हाई स्पीड है और हाई क्वालिटी और हाई परफॉर्मेंस का बताया हुआ है। और इस साइड पर रेड ड्रैगन मिल जाता है और यहाँ पर इन्होंने माउस के जो बटन्स है उनका बताया हुआ है जो कि ऑन द फ्लाई DPI एडजस्टमेंट का बताया हुआ है, ग्रिप इनहेंस स्क्रॉल व्हील का बताया है, वन प्रोग्रामेबल फायर बटन दिया हुआ है जो कि ये वाला बटन है, और यहाँ पर RGB बैक लाइट का बताया हुआ और 12 साइड बटन दिए हुए जो कि इस साइड पे लेफ्ट साइड पे, ठीक है। और यहाँ पर वायर्ड गेमिंग माउस विद मैक्स 1200 DPI का बताया हुआ है, और यहाँ पर 12 साइड बटन का बताया हुआ, और जो इसके जो फीचर्स वगैरह हैं वो बताए हुए, और ये हर लैंग्वेज में आ जाता है। और यहाँ पर मॉडल नंबर मिल जाता है M908 है और सीरियल नंबर है। तो चलिए फिर इसको अनबॉक्स करते हैं। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर रेड ड्रैगन का स्टिकर मिल जाता है जो कि ये है, और यहाँ पर जो है इम्पैक्ट और जो यूजिंग गाइड बुक है वो मिल जाती है, और यहाँ पर एक ब्रीफ केस दिया हुआ रेड ड्रैगन का। ओके, तो इसको मैं रखता हूँ साइड पे। और यहाँ पे माउस की वायर की सबसे पहले बात कर लेते हैं। जो वायर क्वालिटी है दोस्तों, नो डाउट काफ़ी अच्छी है, और मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि इसकी जो क्वालिटी मिलती है ना रेड ड्रैगन की, वो नो डाउट काफ़ी अच्छी क्वालिटी में देते हैं ये लोग। और ये ब्रांडेड केबल मिल रही है, गोल्ड प्लेटेड है कलर, और ये काफ़ी अच्छा होता है, और साथ में फ़िल्टर भी मिल रहा है। तो यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ इसके माउस की, ठीक है। तो माउस की दोस्तों जो डिज़ाइन वाइज है वो नो डाउट काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है, ये आप लोगों के सामने आप लोग देख सकते हैं। इसके जो ये 12 कीज़ हैं जो कि न्यूमेरिकल कीज़ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11 और 12 है, ठीक है, ये न्यूमेरिकल कीज़ है। इसका क्या यूज़ है वो तो नहीं मुझे पता, लेकिन ये है कि अगर आपके कीबोर्ड के न्यूमेरिकल कीज़ ख़राब हो जाए तो आप ये लोग यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ये फायर बटन मिल जाता है, ठीक है, और यहाँ पर लेफ़्ट राइट बटन मिल जाता है, ये जो है RGB कंट्रोल वगैरह का बटन मिल जाता है, और यहाँ पर जो है व्हील का बटन मिल जाता है, ठीक है। और ये है रबड़ की कोटिंग की हुई है, ठीक है दोस्तों। तो डिज़ाइन जो है ना दोस्तों, नो डाउट काफ़ी अच्छा है, और वेट भी काफ़ी दिया हुआ है दोस्तों, काफ़ी अच्छा वेट दिया हुआ है। और यहाँ पर बैक साइड पर जो है एक मोड स्विच मिल जाता है, ठीक है, और यहाँ पर एक दिया हुआ है क्लोज और ओपन, और इसको मैं ओपन करके देखता हूँ इसके अंदर है क्या भला। ओके, तो दोस्तों ये क्या चीज़ है ये तो नहीं मुझे कंफर्म पता, लेकिन ये है कि काफ़ी वेट है, इससे हल्का हो जाता है, ये वेट दिया हुआ है, आई थिंक ये वेट है, तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ दी हुई है, तो मुझे तो ये वेट लग रहा है, ठीक है। तो ये आप लोगों के सामने है, तो ये इसको मैं रख देता हूँ अगेन से, क्लोज कर देता हूँ। ओके, तो ये बैक साइड पे कुछ ऐसा खास नहीं, सिर्फ एक मोड मिल जाता है स्विच का, और यहाँ पर वेट है आई थिंक सो, ठीक है। तो यहाँ पर एक रबड़ वगैरह है, ये आप लोग इसको रिमूव कर सकते हैं। ओके, तो ये जो डिज़ाइन है, डिज़ाइन वाइज तो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा है, ठीक है, डिज़ाइन, और काफ़ी सूटेबल डिज़ाइन है, ठीक है दोस्तों। तो ये है कि मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा, और ये आप लोगों के सामने, और मैं इसको ना ऑन करके दिखाता हूँ, ठीक है, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसके जो RGB लाइट्स हैं वो कैसे वर्किंग में आते हैं, ठीक है। तो मैं इसको ऑन करता हूँ। ओके, तो यहाँ पर ऑन हो गया है, लेकिन मैं ना लाइट्स ऑफ कर देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ ये दिखता कैसे। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों इस टाइप से ये दिखेगा, ये आप लोगों के सामने हैं, ठीक है, तो ये आप लोग देख सकते हैं कि इसका जो क्वालिटी है वो कैसी है। और यहाँ पर भी RGB लाइट्स दी हुई हैं, ये न्यूमेरिकल कीज जो हैं ये चेंज होंगे इसके कलर, ठीक है, तो ये आप लोगों के सामने है।
ओके, जो ये डिज़ाइन है ये यहाँ पर सिर्फ एक लोगो जो है रेड ड्रैगन का वो ग्लो करेगा, और साथ में यहाँ पर एक दो लाइन दी हुई है, और एक साइड पे ये जो है ये बटन दिए हुए हैं, ठीक है, यहाँ पर चेंज करने के, ठीक है, या जो कलर है आरजीबी लाइट्स का वो चेंज करने के दिया हुआ कलर, ये देखें। ओके, ये जो है ना ब्राइटनेस आई थिंक बढ़ा रहा है या फिर कम करता है, तो इस टाइप सा है ये आप लोग देख सकते हैं। और ये फुल हो गया, ये अब किस काम आएगा दोस्तों ये मुझे नहीं पता, ये मैं आपको कंफर्म करके बाद में बता दूंगा। तो लेकिन ये है कि ये आप लोग देख सकते हैं इसका जो कलर है इसका चेंज हो रहा है, और ये जो माउस की फ्रिक्वेंसी होती है ठीक ना उसके काम भी आता है इसमें से, एक एक जो बटन है फ्रंट वाला आगे वाला वो काम आएगा, जो फ्रिक्वेंसी होती है तेज़ जो होता है माउस उसमें ये तेज़ कम करने के लिए बटन आता है, और ये व्हील का जो है बटन मिल जाता है, तो ये आप लोग देख सकते हैं। तो मुझे डिज़ाइन वाइज तो दोस्तों काफ़ी अच्छा लगा, वेट भी मिल रहा है, और जो क्वालिटी है नो डाउट काफ़ी अच्छी मिल रही है। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है ये आप लोगों के सामने है, मैं ये आपका एक आपको एक रिव्यू भी दे दूँगा इसका, ठीक ना, तो ये आप लोग देख सकते हैं। ओके दोस्तों, तो मैं अभी इसे चेक कर रहा था, इसका जो बैक स्विच है मोड उससे आरजीबी लाइट्स चेंज होते हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर देखें मैं चेंज कर रहा हूँ, तो ये देखें चेंज हो रहा, अभी ग्रीन कलर आ गया। ओके, तो यहाँ पर जो है मोड यहाँ पर ये वाला कलर आ जाता है, उसके बाद दोबारा से एक ये देखें आपके सामने है ये कलर चेंज हो जाता है, अगर मैं इसको क्लिक करूँगा दोबारा से ये भी काफ़ी अच्छे कलर दे रहा है, हाँ काफ़ी ज़्यादा कलर्स हैं। तो ये आप लोगों के सामने काफ़ी अच्छे कलर दे रहे हैं, रेड कलर तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा है, और ये ब्लू कलर है, और यहाँ पर चेंज हो जाते हैं, ठीक है, और ये फुल आ जाता है, ठीक है, कलर ये आप लोगों के सामने है, ये सारे कलर ना ये बैक वाले बटन से चेंज होगा। आपको कैसा लगा गेमिंग माउस? मुझे तो यार दोस्तों काफ़ी पसंद आया पर्सनली, और काफ़ी अच्छा भी लगा है, ठीक है। तो अगर तो ये आपको अच्छा लगा और आप बाय करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर और शॉप का एड्रेस आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा होगा, तो कॉन्टैक्ट करके इस गेमिंग माउस को बाय कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।